तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या सऊदी अरब में रहने के बाद, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आते हैं या फिर टूरिस्ट पर आते हैं या फिर बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो क्या यहाँ पर आप अपनी खुद की गाड़ी यानी कि अपने नाम से कोई फोर व्हीलर गाड़ी ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो कौन कौन सी गाड़ी आप ले सकते हैं और कौन सी गाड़ी आप नहीं ले सकते अपने नाम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी आप अपने नाम पे ले सकते हैं और कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि आप अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं। तो नॉर्मली जो सऊदी अरब में गाड़ियाँ चलती हैं, जैसा कि सभी देशों में चलती हैं, फोर व्हीलर यानी कि जो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ वही होती हैं। तो अगर आप फोर व्हीलर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो आप इजीली ले सकते हैं, अपने नाम पे ले सकते हैं, चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन के आप हो, आप अपनी गाड़ी इजीली ले सकते हैं। उसमें किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप इजीली अपने नाम पर गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपको गाड़ी यहाँ पर चलानी है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम की गाड़ी लें, तो आप इजीली ले सकते हैं। और दूसरी टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं वो होती हैं बिजनेस यूज़ के लिए, यानी कि बिजनेस पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होती हैं। तो उनको लेने के लिए आपको प्रोफेशन नहीं देखना है, आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होगा। अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस जिस नाम से कर रहे हैं, यानी कि जिस काम के लिए आप बिजनेस यहाँ पे चला रहे हैं, तो उस काम के थ्रू आपको गाड़ी मिलेगी। और अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, यानी कि अगर आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोफेशन में हैं और आप चाहते हैं अपने नाम पर गाड़ी लेना, तो उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो सऊदी लोग होते हैं, यानी कि जो यहाँ के सिटीज़न होते हैं, वो ही स्पॉन्सर होते हैं और आप उन्हीं के नाम पे यहाँ पे आते हैं, यानी कि वो आपको हायर करते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए तो उनके नाम पे लेना होगा, आप अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो भी कारोबार आपका चल रहा है तो वो कारोबार आपके नाम पर नहीं होगा, वो किसी सऊदी सिटीज़न के नाम पर होगा या फिर किसी कंपनी के नाम पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।